आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो पॉम्फ्लेट मच्छी है इसे पापलेट कहते हैं, इसे क्लीन कैसे करें और कट कैसे करें। गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी साइज़ देखिए, ये देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, आप देख सकते हैं ये जो फिश है इसके मुकाबले में ये कितनी बड़ी है। देखिए गाइस, साइज़ तो ठीक है पर आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी बड़ी फिश है तो फ्रेश है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सी कोस्ट है और यहाँ पर जैसे ही फिश के बोट्स आते हैं वो औरतें यहाँ पर बेचने के लिए आ जाती है, तो हम वहाँ उससे ख़रीद लेते हैं। अब ये इतनी फ्रेश है कि देखिए इसके जो ये है ये हाथ में आ जाते हैं, और ये जो इसकी पहचान किस तरह से की जाती है फ्रेशनेस की, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसका है ना, ये दबा कर देखें, इसमें से अगर वाइट पानी आता है तो ये फ्रेश है, बाकी फिश में ऐसा नहीं होता है। बाकी फिशेस हम कैसे देखते हैं, इसका ये खोल कर देखते हैं और अगर इसमें अगर लाल दिखता है तो ये फ्रेश है, वरना ये फ्रेश नहीं। मगर इसके पॉम्फ्रेट के बारे में ये बिल्कुल अपोजिट है। इसका हमेशा यही चेक किया कीजिए कि ये दबाए, अगर वाइट पानी आता है तो ये फ्रेश है और अगर इसमें से लाल पानी निकलता है तो ये फ्रेश बिल्कुल नहीं है। गाइस, अब आप इसकी प्राइस जानना चाहते होंगे तो प्राइस जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक फ़िश जो है वो 900 ग्राम के करीब करीब है और ये एक फ़िश मुझे 250 रुपये में मिली है। तो आप जान सकते हैं कितनी सस्ती मिली है, और ये जो तीन फिशेस है वो मुझे 200 रुपये मिले हैं। तो ये जो सारी फ़िशेस हैं इसके मैंने कुल मिला के 450 रुपया खर्च किए। तो चलिए अब ये फ्रेश जो फिश है उसे हम एंजॉय करेंगे। पहले हम इसे कट करेंगे और क्लीन करेंगे।
गाइस, मैंने इस फिश को अच्छे से क्लीन कर लिया है, कट कर लिया है, और मैं इस फिश के अलग अलग डिशेस बनाने वाली हूँ जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।